गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास की बुक है मेरे पास एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, नेचर मैजिक के नाम से। आज हम इसमें चैप्टर 17 रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीचिंग पीपल, लोगों तक पहुंचना। कैसे पहुंचा जाता है लोगों तक, आइए समझते हैं। पहले एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट वन टू द लेटेस्ट वन, राइट, वन फॉर द अर्लीस्ट एंड फाइव फॉर द लेटेस्ट। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिनमें आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन के मीन्स किसी न किसी रूप में दिए गए हैं। ओके, सबसे पुराना कौन सा तरीका है कम्युनिकेट करने का, और उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ऐसा आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स देके फिल करना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद से करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है ये एक्टिविटी करने में। चलिए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, संदेशों का आदान प्रदान जो होता है उसी को हम बातचीत कहते हैं, चाहे वे बातचीत हमारे बातें करने से हो, चाहे वे बातचीत किसी माध्यम के द्वारा हो या फोन पर की जाए, है ना। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। बहुत समय पहले लोग क्या करते थे, साइन लैंग्वेज, यानी उनकी कुछ सीक्रेट लैंग्वेज थी जिसके थ्रू वह बात करते थे। साइन लैंग्वेज को हम संकेतिक भाषा कहते हैं हिंदी में। ओके, दे ऑल्सो यूज पीपल कॉल्ड मैसेंजर्स टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले मैसेजेस को लाने और ले जाने के लिए मैसेंजर्स हायर किए जाते थे, मतलब संदेश वाहक, जिनका काम ही होता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाना। समटाइम्स बर्ड सच एज पिजन्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। कुछ राजा महाराजाओं के टाइम पे तो ऐसा चलन भी था कि कबूतरों द्वारा पर्ची बांधी जाती थी उनके पैरों पे, और कबूतरों द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था। टुडे वी हैव वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेट अस लर्न अबाउट देम। आज हमारे पास बातचीत करने के लिए, संदेश देने और संदेश पाने के लिए बहुत से साधन हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आपको दिया है यहाँ पर लेटर्स। ठीक है, टिल अ फ्यू ईयर बैक लेटर वर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कुछ साल पहले तक लेटर्स जो हैं वो बातचीत करने का सबसे आसान और सबसे कॉमन सामान्य सा साधन था, मतलब जिसका यूज बहुत ज्यादा होता था। पोस्ट कार्ड, इनलैंड एनवेलप्स एंड एरोग्राम्स आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स। ये सभी लेटर्स के टाइप्स हैं। पोस्ट कार्ड एक कार्ड टाइप का होता था, इनलैंड लेटर्स को अंतरदेशीय पत्र कहते हैं, अच्छा खासा स्पेस इसमें लिखने के लिए होता था, स्काई ब्लू से कलर का ये लेटर शीट हमें मिलता था। एनवलप्स, लिफाफे जिसके अंदर आप किसी भी पेपर पे चिट्ठी लिख के डाल सकते हो और पोस्टल स्टैंप लगा के उन्हें पोस्ट कर दो तो अपने एड्रेस पे चली जाती हैं। एरोग्राम्स जो हमें एरोप्लेन के माध्यम से, मतलब बहुत स्पीडली हमें लेटर्स देश से विदेश तक पहुंचाने होते थे उनके लिए, है ना। वी कैन बाय देम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम ये सभी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम ये सभी पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाने से खरीद सकते थे। और वी राइटिंग अ लेटर, सॉरी आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इन अ लेटर बॉक्स। लेटर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लेटर को पैक करके हम उसे लेटर बॉक्स में डालकर आते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट दीज लेटर्स एंड टेक देम टू द मेन पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन जाते हैं और इन लेटर्स को निकालकर अपने मेन पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। Here the letters are sorted out and then sent to different places by buses, trains and aeroplanes. फिर इन letters को sorted means अलग अलग किया जाता है area wise, city wise या country wise, और फिर इनको bus के द्वारा, train के द्वारा या aeroplanes के द्वारा deliver कर दिया जाता है। Letters take 3 to 4 days to reach the addresses. लेटर्स को 3 से 4 दिन लग जाते हैं एड्रेस पर पहुंचने के लिए। फॉर क्विक एंड प्रॉपर डिलीवरी वी शुड राइट द कंप्लीट एड्रेस अलोंग विद द पिन कोड ऑन एवरी लेटर। लेटर सही पते पर पहुंचे इसके लिए हमें एड्रेस पूरा लिखना चाहिए और एड्रेस पर उस राज्य का पिन कोड जरूर लिखना चाहिए, है ना, उस जिले का। अगर पिन कोड होता है तो सर्च करने में आसानी हो जाती है। वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कोरियर मेल। हम स्पीड पोस्ट और कोरियर मेल करके भी अपने पार्सल्स, कोई सामान हमें भेजना है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी लोग राखियां अपने भाइयों को भेजा करती हैं, है ना, तो स्पीड पोस्ट या कोरियर करके हम भेज सकते हैं।
सेकेंड यहाँ बताया है टेलीफोन, द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन क्या है सबसे तेज साधन है बातचीत का। वी यूज अ टेलीफोन टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सिटी इन अदर सिटीज एंड इवन इन अदर कंट्रीज। हम अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे इसी शहर में रह रहे हों, चाहे किसी और शहर में, या फिर किसी और देश में रह क्यों ना रहते हों, हम फोन के द्वारा सभी से बात कर सकते हैं। मोबाइल्स और सेलुलर फोन्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। अब फोन्स का भी एक मॉडर्न रूप जो आ गया है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से हमारे लिए क्या आसानी हो गई है कि अब हम ट्रैवल करते करते, या हम घर के किसी भी कोने में हैं, हम मार्केट में हैं, या हम कहीं पर भी हैं, हम पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, है ना। तो मोबाइल्स क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या एक प्रमाण है, जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना। और शॉर्ट मैसेज सर्विसेज SMS, यानी कि आप टेक्स्ट मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं, है ना। और मोबाइल क्या है बच्चों, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, आजकल तो दुनिया ही मोबाइल में आके सीमित हो गई है, है ना। इवन आप लोग ये चैप्टर भी ये देख रहे हैं तो मोबाइल में ही देख रहे हैं। द फैक्स इज यूज टू सेंड अ रिटन मैसेज, फैक्स का इस्तेमाल होता है जब हमें हस्तलिखित कोई मैटर सेंड करना हो, ठीक है। ए लेटर और अ फोटोग्राफ टू समवन, मतलब हम टाइप करें कंप्यूटर पे अपना मैसेज, या हमें कोई फॉर्मेट भेजना है, या हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा उस जगह पर जहाँ पर हम जो भी हम इसमें एड्रेस सेंड कर रहे हैं, मतलब नंबर डाल रहे हैं, फैक्स मशीन का नंबर डाल रहे हैं ना। इट रीचेस इंस्टेंटली सिंस इट इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन, ये बहुत ही जल्दी बिल्कुल ऐसे फोन कॉल्स की तरह पहुंच जाता है, क्यों, क्योंकि ये फोन लाइन से ही कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट बताया है कंप्यूटर्स, टुडे द कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू द कंप्यूटर। आज के युग में कंप्यूटर बहुत ही बड़ा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन बन चुका है कम्युनिकेट करने के लिए, और कंप्यूटर में इंटरनेट फैसिलिटी के कारण हम ईमेल्स करते हैं जो कि मिनटों में पहुंच जाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, लेटर्स, बुक्स, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। वी कैन सेंड वीडियोस, पिक्चर्स, लेटर्स एंड बुक्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, वी कैन इवन चैट विद आवर लव्ड वंस ऑन कंप्यूटर, यहाँ तक कि हम कंप्यूटर पे वेबकैम लगाकर पिक्चर कॉलिंग होती है ना, वीडियो कॉलिंग होती है, हम वो करके बात भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बता रहे हैं मास कम्युनिकेशन, बच्चों जैसे अभी आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जान रहे थे, इसी में एक पार्ट आता है, एक कैटेगरी आती है मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटर, टेलीफोन, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स आर नोन एज पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, अभी तक आपने जो मीन्स पढ़े हैं वो सब क्या है, वो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन है ना। लेटर एक आदमी से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, कॉल भी एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाती है, या फिर आप सोचो कि आप आजकल कॉन्फ्रेंस कॉल करके या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप छोटे ग्रुप्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना, 2, 4, 5, 10, 7, 10 लोगों तक। लेकिन मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेज एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मास कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी संदेश को, किसी भी सूचना को, कोई भी बात जो हम कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसे एक ऐसे माध्यम से शेयर करना कि एक ही टाइम पर लाखों लोग उस सूचना को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बच्चों, यस, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, ये ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा कोई भी सूचना पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे फैलाई जाती है ना। तो ये है मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स। न्यूज़पेपर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग किनारों से अलग अलग सूचनाएं न्यूज़पेपर में प्रिंट होती हैं जो हम तक हमारे घरों पर पहुंचती हैं। दे रीच द पीपल इन जस्ट वन डे, न्यूज़पेपर आर द चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर सबसे सस्ता साधन है सूचनाओं को ग्रहण करने का। नेक्स्ट इज रेडियो, रेडियो इज द वायरलेस मीन्स, फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो वायरलेस मतलब पहला ऐसा
यंत्र बना था जिसमें कोई तार वार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और इसको हम कहीं भी अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, है ना। जहां पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी हो वहां पर हमें रहने पर हमें सारे म्यूजिक के प्रोग्राम्स हैं, कोई नाटक है, कोई कहानी है, कोई न्यूज़ है, कोई स्पोर्ट कमेंट्रीज हैं, हम कुछ भी सुन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज टेलीविजन। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा। टेलीविजन के माध्यम से ना तो हम बहुत सारे प्रोग्राम देख पाते हैं, बल्कि मतलब सिर्फ बहुत सारे प्रोग्राम नहीं देख पाते, बल्कि हमें देश भर की सूचनाएं, एंटरटेनमेंट मूवीज, आप डिस्कवरी चैनल पे एनिमल्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज वाले एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स चलते हैं। आप मतलब टेलीविजन से तो आप सब कुछ कर सकते हो घर पे बैठ के ही, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चे मास कम्युनिकेशन हम सभी के कितने काम आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, चाहे वह देश में हो या विदेश में। ओके, आई होप आप सबने चैप्टर अच्छे से समझा होगा। प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि आपकी तरह और भी कई बच्चे हैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, लेसन एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी, है ना। ओके देन, बाय बाय।